18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव 2019 में अमेठी के कांग्रेस का किला ढलने का संकल्प लेकर मैदान में उतरी भाजपा की प्रत्याशी स्मृति जुबिन ईरानी ने आज अपना जोराब भी दिखा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतरी स्मृति ईरानी ने आज अपने प्रचार अभियान के दौरान फायर फाइटर की भी बड़ी भूमिका अदा की है। स्मृति ईरानी आज अमेठी में अपने प्रचार कार्यक्रम में थी, इसी बीच उनको मुंशीगंज के पश्चिम द्वारा गाँव में आग लगने की सूचना मिली, इसके बाद वे सक्रिय हो गयी। वे अपनी टीम के साथ आग बुझाने में लग गई, वहाँ पहुँची और आग बुझाने में मदद की। इस दौरान ग्रामीण से भी उनके दुख दर्द को साझा किया। केंद्रीय मंत्री ने जिला अधिकारी के साथ फायर ब्रिगेडर को फोन किया। वहीं आग जब गांव तक पहुँच गई तो उन्होंने काफी देर तक नल चलाया, बाल्टियों में पानी भी भरा और आग बुझाने में मदद किया। उनको ऐसा करते देख पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भाजपा कार्यकर्ता भी आग बुझाने में जुट गए। अपना सब कुछ तबाह होता देख गाँव की महिला स्मृति ईरानी से लिपट कर रोने लगी। ईरानी ने भी सांत्वना देते हुए महिलाओं को धैर्य रखने की बात कही। वहीं उन्होंने एसडीएम को फोन कर तत्काल मौके पर पहुंचने व पीड़ितों को राहत दिलाने का निर्देश दिया। दोपहर में मुंशीगंज के पश्चिम द्वारा के गोवर्धन गांव के सीवान में गेहूं के खेत में आग लग गई। गेहूं हवाओं के चलते आग के विकराल रूप धारण कर लिया। आग तेजी से गांव की तरफ बढ़ रही थी। गाँव के लोग फायर ब्रिगेडर को सूचना देने के साथ स्वयं आग बुझाने में जुट गए। क्षेत्र में प्रचार कर रही है स्मृति ईरानी के साथ चल रहे कार्यकर्ताओं गाँव में आग लगने की जैसे ही सूचना दी गई, वहाँ सारा कार्यक्रम छोड़कर घटना स्थल की ओर रवाना हो गयी। खेतों में जलती आग देखकर भावुक हो गए और हाथ में बाल्टी लेकर स्वयं आग बुझाने में जुट गई। अमेठी के रास्ते लोकसभा पहुंचने की तैयारी में जुटी केंद्रीय स्मृति ईरानी का चुनाव प्रचार जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। आज उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। अमेठी के मुंशीगंज स्थित पूर्व द्वारा गाँव में आग की खबर मिलने पर स्मृति गाँव की ओर निकल पड़ी। फायर ब्रिगेडर की गाड़ी आने पर देरी होने पर उन्होंने खुद ही नल से पानी भरकर प्रभावित घरों और खेतों में डलवाना शुरू कर दिया। अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी का मुख्य मुकाबला यहां से 3 बार सांसद रहे राहुल गांधी से है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस दौरान कहा कि एक नई उमंग उपेक्षित अमेठी जो पिछले 15 साल से लापता सांसद ने छला है, ईद का चांद भी लापता सांसद से ज्यादा दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा, आज अमेठी विधानसभा के एक क्षेत्र में आग लग गई थी, मैंने कहा यहाँ भाषण नहीं देना है, मदद करनी है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं में मदद की, मुझे देर हो गई, पिछले चुनाव में मुझे हराया लेकिन जीतने के बाद भी वह सांसद में अमेठी के मुद्दे नहीं उठाए, लापता सांसद अमेठी में गायब हो गए। प्राइम 18 न्यूज के लिए अमेठी से संजय यादव की रिपोर्ट।